हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेस्ट वाला स्केट। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। जो भी लर्नर्स वेट कर रहे थे जेई मेन के रिजल्ट का, थर्ड फेज के रिजल्ट का, उनका रिजल्ट आ चुका है। यस एवरीवन, उनका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन इस रिजल्ट के साथ ही साथ एक बैड न्यूज़ भी है कि NTA का साइट अभी जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। जेई मेन के साइट पर आप जाएंगे तो वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि जो साइट है वो लगभग क्रैश कर चुका है। कोई भी साइट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है NTA का। आप कुछ भी क्लिक करके देख लीजिए, आपका NTA का जो UGC नेट है इसका साइट तो वर्क कर रहा है, लेकिन NTA का जो JEE मेन का जो साइट है, मेन वेबसाइट है, वो वर्क नहीं कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सर मजाक कर रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ NTA के साइट पर चल करके, और साथ ही JEE मेन के साइट पर भी चल के दिखाता हूँ। वहाँ पर रिजल्ट अपलोड हो चुका है, लेकिन एक बार में 7 से 8 लाख बच्चों ने सर्च किया है, जिसकी वजह से साइट क्रैश कर चुका है। यस एवरीवन, साइट क्रैश कर गया है, जिसकी वजह से अब NTA के जो भी टेक्निकल हैं वो उसे वर्क कर रहे हैं, और जैसे ही उसे वर्क हो जाएगा आपका रिजल्ट शो होना हो जाएगा, शुरू हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं खुल रहा है, तो काफ़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन का साइट ओपन हुआ है, और ये आप देख पा रहे होंगे कि फिर से गायब हो गया। यहाँ पे जैसे ही हम एक्टिव एग्जामिनेशन पे क्लिक कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग यहाँ पे लिख करके आ रहा है, तो ये प्रोसेसिंग जब तक ओपन नहीं होगा तब तक अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना मुझे पता चला है कि साइट क्रैश कर गया है, साइट JEE मेन का। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि सच में क्रैश किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए एवरीवन, यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि साइट क्रैश कर गया है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लर्नर्स एक बार में सर्च कर रहे थे JEE मेन के रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देखिए JEE मेन 2021 अप्रैल सेशन का NTA का स्कोर यहाँ पे शो होने शुरू हुए हैं, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन साइट के ऊपर कुछ भी ओपन नहीं हो रहा, सारा पॉपअप इसका बंद हो चुका है। अब ये साइट क्रैश हुआ है या इसके ऊपर वेबसाइट पे अभी रिजल्ट लोड हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी वर्क चल रहा है, एवरीवन जैसे ही ये वेबसाइट खुलेगा और जैसे ही रिजल्ट अपलोड होगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसके रिगार्डिंग न्यूज़। बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो 3 बार मैंने काफ़ी लंबे टाइम से मैं ये सर्च कर रहा था और देख रहा हूँ कि JEE मेन का भी रिजल्ट आया है या नहीं आया है। तो ये देखिए JEE मेन का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन साइट अभी क्रैश कर गया है और ये खुल नहीं रहा है। मैं जितना बार इसको रिफ्रेश कर लूँ, ये देखिए इतना एक बार और मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखिए रिफ्रेश मैंने कर लिया, ये साइट खुल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं खुल रहा है, कुछ भी वर्किंग नहीं हो रहा है। हालांकि मैं यहाँ पे मोबाइल पे खोला हुआ हूँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि डेस्कटॉप मोड में करके देखते हैं, कहीं डेस्कटॉप मोड में करके देखने पे कहीं खुल जाए। तो यहाँ पे देखिए उस पर भी नहीं खुल रहा है, नहीं वर्क कर रहा है, एवरीवन वर्क ही नहीं कर रहा है। ये मैं ये बता दूँ कि रिजल्ट आप लोगों का शायद इस पर अपलोड हो चुका है, और एक बार में 7 से 8 लाख बच्चों ने बहुत ज़्यादा सर्च किया है, जिसकी वजह से साइट क्रैश कर गया है। ये कल के न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा, या NTA खुद अपडेट भी करवाएगा साइट के रिगार्डिंग। आपका JEE मेन का ही साइट वर्क नहीं कर रहा है, बाकी सबका साइट वर्क कर रहा है। आप यहाँ पे UGC नेट का भी देख सकते हैं, UGC नेट का अगर साइट खोल करके देखें तो इसका साइट वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसका साइट वर्क कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है, लेकिन JEE मेन का आप करके देखें तो JEE मेन का साइट वर्क नहीं कर रहा है। इसका साइट पे सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रहा है, आप यहाँ पे देखिए इसका साइट क्रैश कर चुका है, हालांकि रिजल्ट आ गया है ऐसा सुनने में मिल रहा है, रिजल्ट अपलोड हो चुका है, आ चुका है, और ज़्यादा बच्चों की सर्च करने की वजह से साइट इसका क्रैश कर गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ अनस्टॉपेबल आईसी एकेडमी पे ही मिल सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।